हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने जीके की सीरीज शुरू की है, जिसमें हिमाचल का जीके प्लस करंट अफेयर प्लस इंडिया का जो स्टैटिक जीके है उसे हम कवर अप करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे एलाइड का एग्जाम हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, अन्य कोई भी एग्जाम हो हिमाचल का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय मौसम विज्ञान का कार्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान था, ये बना था 1875 में। क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट रहेगा साथ के साथ लिखते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। तो भारतीय मौसम विज्ञान बना था 1875 ईस्वी में, और 1928 में जो है इसे शिमला से हटा के पुणे में किया गया, और बाद में जो है 1944 में जो है से दिल्ली शिफ्ट किया गया। जब तब से लेके 1944 से लेके अब तक जो है हमारा मौसम विज्ञान का जो कार्यालय है वो दिल्ली में है, और 23 मार्च को जो है मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल विधानसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 सीट। जो भी हमारी विधानसभा है हिमाचल की, आप सभी को पता है उसमें कितनी टोटल सीटें हैं, 68, जिसमें से जो है 42 है बीजेपी के पास, 21 है कांग्रेस के पास, एक जो है वो है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी 1 सीट है, और 2 सीटें 3 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, और सुंदर राम जो है इसके फाउंडर है। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और अभी हाल ही में 2018 में जो है केरल में, 2018 में केरल में जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ठीक है, केरला के जो है मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 89.97%, यानी ऑप्शन नंबर बी, लगभग 90% अगर आपको आता है एग्जाम में तो भी वो सही होगा। हिमाचल जो है पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य है जो जिसकी जनसंख्या जो है 90% ग्रामीण है, और गोवा जो है ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है काफ़ी दफा डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है, तो लाहौल एंड स्पीति आपको याद रखना है। अगर घाटी पूछी जाए कौन सी घाटी में है, तो चंद्रा घाटी आपको याद रखना है, और इस ग्लेशियर के पिघलने से जो है चिनाब नदी को पानी मिलता है। कौन सी नदी को? चिनाब नदी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाप जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टालरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, टालरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस जिले के अंतर्गत आती है? तो आती है हमारी शिमला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1962 से जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, अभी आपको पता होगा हमारे जो हाई कोर्ट है वो 25 हो चुके हैं, तो 25वां बना है तेलंगाना में। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश है वो है बी राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना से आता है क्वेश्चन, तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन अब जब कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर फिर से यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, तो अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 हो गए और राज्य हमारे फिर से 28 हो गए। तो उस टाइम पे जो है 29वां राज्य बना था, लेकिन अब हम इसे 28वां राज्य काउंट करेंगे, तो ये बना था 2014 में, ठीक है, और हैदराबाद जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसकी जो सॉरी कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और मुख्य न्यायाधीश अभी यहाँ के पहले बने हैं वो है बी राधाकृष्णन, और इसके साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो अमेरिका ने जो है यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की
अमेरिका से अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और इनकी जो अध्यक्ष है यूनेस्को की वो है आंद्रा अजोले, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गाफा कर जो है शुरू किया है, ठीक है। तो गाफा टैक्स जो है किस देश ने शुरू किया है, तो फ्रांस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने जो है गाफा टैक्स शुरू किया है। अब ये गाफा टैक्स क्या है, तो जे से होगा गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक, और लास्ट ए जो है से होगा अमेजोन, ठीक है। ये जितने भी चार कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर एक टैक्स शुरू किया है फ्रांस ने, इसे गाफा टैक्स कहते हैं। फ्रांस से, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है वो है एडवर्ड फिलिप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण जो दिया गया है सरकार को, उसको मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम गुजरात से बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और आपको याद रखना है कि हमारे जो पूर्व राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, वो अब गुजरात के राज्यपाल है, कि उनकी नियुक्ति जो है गुजरात के राज्यपाल के रूप में हुई है। और गुजरात के जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपाणी, ठीक है। बीजेपी की जो है यहाँ पे सरकार है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेमका फूड पार्क किस राज्य में खोला गया है, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिमाचल का पहला फूड पार्क है ये, जो कि खोला गया है डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 के राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, ठीक है। तो 2022 का जो राष्ट्रीय खेल है उसका शुभंकर है धूमिल तेंदुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब 2022 के राष्ट्रीय खेल होंगे कहाँ पे, मेघालय, ठीक है, मेघालय में होंगे, और मेघालय का जो है राजकीय पशु है ये धूमिल तेंदुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के जो कैपिटल है मेघालय की वो है शिलोंग, और आपको सीएम अगर बात करें तो कॉनराड संगमा जो है यहाँ के सीएम है। अंतिम क्वेश्चन है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु और हिमाचल का राजकीय पशु एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, बर्फानी तेंदुआ, ठीक है। जो हमारा राजकीय पशु है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल में, और अशरफ घानी जो है प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान से एक और फेमस क्वेश्चन आता है, पाक और अफगानिस्तान रेखा, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं, तो डुरंट रेखा आपको याद रखना है, डुरंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो सीरीज है इसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।